दोस्तों सी एस बी सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जो व्यक्ति ई वे बिल बनाते हैं ई वे बिल पोर्टल से, उनके लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है 15 जुलाई 2023 से। दोस्तों जिन व्यक्तियों की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी, उन्हें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करना होगा, यानी कि उनका ओटीपी मोबाइल पे भी आएगा, जिसके बाद ही के वो ई वे बिल को जनरेट कर पाएंगे। इसके लिए नया अपडेट जारी किया गया है। दोस्तों ई वे बिल पोर्टल के द्वारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टार्ट किया जा रहा है 15 जुलाई 2023 से। यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में जब वो लॉगिन करेंगे ई वे बिल पोर्टल पे, तो ना सिर्फ उन्हें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा, बल्कि 1 टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी भी एंटर करना होगा। दोस्तों इस केस में ओटीपी जो है, उसके लिए 3 तरीके हैं। या तो आप एसएमएस की फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, या फिर आप संदेश ऐप के थ्रू ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको संदेश ऐप को डाउनलोड करना होगा, उस पर आप ओटीपी ले सकते हैं, या फिर आप NIC GST शील्ड ऐप के थ्रू ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेन मेन्यू में जाएंगे ई वे बिल पोर्टल पे, वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके NIC GST शील्ड ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको ओटीपी डिस्प्ले होगा, आप इस ओटीपी को एंटर कर सकते हैं। ये ओटीपी हर 30 सेकेंड के बाद रिफ्रेश होगा। इसके लिए आपको किसी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी मोबाइल नेटवर्क की, क्योंकि इस ऐप के द्वारा ही ओटीपी जनरेट किया जाता है। दोस्तों आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको ई वे बिल पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद आप मेन मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, तो उसके बाद सिस्टम के द्वारा ओटीपी आपसे पूछा जाएगा अलॉन्ग विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ऑथेंटिकेशन जो यहाँ पे किया जाएगा ओटीपी का, वो इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यदि आपके सब यूज़र भी क्रिएट किए गए हैं GST के ई वे बिल पोर्टल पे, तो उसके इसमें सेपरेट ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, डिपेंडिंग के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है ई वे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम पे। तो यदि आप एक बार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं ई वे बिल के लिए भी और ई इनवॉइस सिस्टम के लिए भी। आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।